बारहवीं क्लास का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। काफी देर से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बच्चे ये इंतजार कर रहे थे कि सीबीएसई का तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी जेके बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट कब आएगा, यानी जो जेएनके बोर्ड से पढ़ाई करते हैं। फिलहाल ये तमाम खबर जो है वो उन्हीं बच्चों के लिए है कि बारहवीं क्लास का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और जितने भी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है हमारी शुभकामनाएं, हमारी बेस्ट विशेष जो है वो उनके साथ है ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर में जो है वो तरक्की करें। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, आप जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और साथ ही साथ जिन बच्चों ने रेगुलर एग्जाम दिए थे आपको बता दें कि उन्हीं का रिजल्ट निकला है, यानी हायर सेकेंडरी पार्ट सेकेंड का रिजल्ट निकल चुका है। जैसे ही बारहवीं का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कुछ ही समय बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टेंथ क्लास का भी रिजल्ट जो है वो आ सकता है। और ये जून का अभी पहला ही बता दें आपको, जिस तरह से अभी 10 तारीख भी पार नहीं हुई है, अभी 6 तारीख है और बताया गया था कि जून के पहले हफ्ते में बारहवीं क्लास का रिजल्ट आ जाएगा। पूरी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है और आपको बता दें कि उन्हीं तैयारियों के बीच बारहवीं जमात का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बहुत बार बच्चे बच्चियां जो है वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पेरेंट्स एक एडवाइस रहेगी, उस एडवाइस को देखकर यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बात करते हैं बच्चे की जो है अपनी अपनी एबिलिटी है कि बच्चा कितना कोप अप कर पाया है, आप अपने बच्चों को उनके मार्क्स के हिसाब से जज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सीबीएसई ने अपने रिजल्ट की घोषणा कर दी थी। अब सीबीएसई के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी जो है वो रिजल्ट निकाल दिया है और तमाम खबर यही है कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो आ चुका है। अगर आपको रिजल्ट चेक करना है आपको जम्मू कश्मीर जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है अपना रिजल्ट चेक करना होगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस बार भी बच्चों ने जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल किए। फिलहाल अभी रिजल्ट जो है वो एनुअल का है, यानी जो रेगुलर बच्चों के एग्जाम हुए थे, फिलहाल अभी ये पता चलने में समय लगेगा कि कौन से कितने स्कूल से कितने पोजीशन होल्डर हैं, ये भी समय लगेगा कि अभी किन बच्चों ने जो कितना परसेंटेज लिया है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि आप लोगों को समय ना गवाते हुए ये रिजल्ट बताना हमारी जिम्मेदारी थी ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें और जल्द से जल्द जो है जेके बोस की वेबसाइट पर जाकर जो एनुअल सेशन 2023-24 का रिजल्ट निकला है, ये वही बच्चे जिन्होंने मार्च के महीने में एग्जाम दिए थे और मार्च के महीने में एग्जाम देने के बाद उनका रिजल्ट जो है वो अभी यानी जून के महीने में निकला है। अब बच्चे जो है वो पास आउट होकर कॉलेजेस जाएंगे, आगे अपनी फर्दर हायर स्टडीज के लिए जो है अप्लाई करेंगे, उन तमाम बच्चों के साथ हमारी बेस्ट विशेज है। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अपना रिजल्ट जारी किया है उसी तरह से तमाम बच्चों की यहाँ पर कहें उन तमाम बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है जिन भी बच्चों का यहाँ पर बारहवीं क्लास का रिजल्ट जो है वो। आपको एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जिन भी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, जिनकी पोजीशंस आई हैं या जिनकी भी हायर परसेंटेज है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, वो बच्चे हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे पेज पर नंबर दिया गया है, वहाँ पर हमें फोन लगा सकते हैं और हमें बुला सकते हैं, हम उनका इंटरव्यू करेंगे या वो हमारे पास हमारे ऑफिस तक पहुँच सकते हैं, हम उनके ऑफिस अपने ऑफिस में जो है उनका इंटरव्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही है कि तमाम बारहवीं क्लास के बच्चों का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो गया है और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम लोगों को भी ये पता चल पाए कि बारहवीं क्लास का रिजल्ट जो है वो आ गया है और अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सके। तमाम बच्चों को बेस्ट विशेज है हमारी जो बुलेटिन न्यूज की टीम की।